Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is minimum selling price for sugar. So we will know minimum selling price for sugar. The Indian Sugar Mill Association has asked the government to raise the minimum selling price for sugar to ₹34.50 a kg. Indian Sugar Mill Association ने कहा है गवर्नमेंट से कि वो रेज करे मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर के लिए ₹34.50 per kg कर दे. शुगर प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? शुगर के लिए प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस ऑफ शुगर आर मार्केट ड्राइवन एंड डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शुगर. हाउएवर विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर वॉज इंट्रोड्यूस इन 2018 सो दैट इंडस्ट्री मे गेट एटलीस्ट द नंबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर सो एज टू इनेबल देम टू क्लियर कैन प्राइस ड्यू ऑफ फार्मर. प्राइस ऑफ शुगर जो है वो मार्केट ड्राइवन है और डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर शुगर का, लेकिन इस व्यू को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट है फार्मर का, कॉन्सेप्ट जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर का इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में ताकि इंडस्ट्री जो है वो एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर के लिए प्रोवाइड करे और इनेबल करे कि वो क्लियर करे कैन प्राइस जो ड्यू है फार्मर्स का. In exercise of power conferred under the Essential Commodity Act 1955, government had notified Sugar Price Control Order 2018. और exercise में अपने power के जो कि confer किया गया था under Essential Commodity Act 1955 के अंतर्गत government ने notify किया है Sugar Price Control Order 2018 को. Under the provision of said order, government will fix the minimum selling price. जो provision है said order का, government जो है वो fix कर सकते हैं minimum selling price sugar के लिए. Minimum selling price of sugar has been fixed taking into account the component of fair and remunerative price of sugar cane and minimum conversion cost of the most efficient mill. जो minimum support price है sugar के लिए उसको fix किया जाता है consider करने के बाद account को जो component है fair और remunerative price का sugar cane का और minimum conversion cost को most efficient mill का. बैकग्राउंड क्या है? द फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस विद आर डिटरमाइंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड आर अनाउंस बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. जो फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस जो कि डिटरमाइंड किया जाता है रिकमेंडेशन के बाद कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के, जो कि अनाउंस किया गया था कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जिसको कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉरेस्ट फायर इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. तो हम जानेंगे जो फॉरेस्ट फायर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में लगा है उसके बारे में. द सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व एरिया फ्रीक्वेंटली विटनेस फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग ड्राई वेदर कंडीशन. जो सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वहां पर फ्रीक्वेंटली विटनेस किया जा सकता है फॉरेस्ट फायर को ड्राई वेदर कंडीशन के टाइम पे. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल विद डेराइव इज नेम फ्रॉम साइमुल सिल्क कॉटन ट्री, इज ए नेशनल पार्क एंड ए टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट. सिमलीपाल जो कि ड्राइव किया है अपने नाम को सिमुल सिल्क कॉटन ट्री के कारण, ये नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है जो कि सिचुएटेड है नॉर्थन पार्ट में ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में. और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे सिचुएटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के पास. सिमलीपाल एंड द एडजॉइनिंग एरियाज कंप्राइजिंग 5569 स्क्वायर किलोमीटर वर डिक्लेयर ए बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 22 जून 1994 एंड इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट. सिमलीपाल और उसका जो एडजॉइनिंग एरियाज है जो कि कंप्राइज करता है 5569 स्क्वायर किलोमीटर को, वो डिक्लेयर किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 22 जून 1994 को और ये लाइज करता है ईस्टर्न एंड में ईस्टर्न घाट के. इट इंक्लूड 3 प्रोटेक्टेड एरिया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जो है इंक्लूड करता है 3 प्रोटेक्टेड एरिया को, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को. इट इज अवार्ड ऑफ 94 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड एंड अबाउट 3000 स्पीसीज ऑफ प्लांट. ये अवार्ड है 94 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड से और 3000 स्पीसीज ऑफ प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं. द आइडेंटिफाइड स्पीसीज ऑफ फौना इंक्लूड 12 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, 29 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 264 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 42 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, ऑल ऑफ विच कलेक्टिवली हाईलाइट द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस ऑफ सिमलीपाल. जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज है फौना का वो इंक्लूड करता है 12 स्पीसीज एम्फीबियन का, 29 स्पीसीज है रेप्टाइल का, 264 स्पीसीज है बर्ड्स का, 42 स्पीसीज मैमल का है. ये सारे जो है कलेक्टिवली हाईलाइट करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है सिमलीपाल का. सैल इज ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, और जो साल है वो एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है सिमलीपाल का. हाउ फायर प्रोन इज सिमलीपाल फॉरेस्ट, किस हद तक फायर प्रोन है सिमलीपाल का फॉरेस्ट. जनरली विद द ऑनसेट ऑफ समर एंड टुवर्ड द एंड ऑफ ऑटम द फॉरेस्ट एरिया रिमेन वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर.
जनरली जब ऑनसेट होता है समर का और एंड ऑफ ऑटम तक जो फॉरेस्ट एरिया है वो वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए. दे आर ए रिकरेंट एनुअल फिनोमिनन बट आर ऑल्सो ब्रॉट अंडर कंट्रोल ड्यू टू शॉर्ट स्पैन ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये एक रिकरेंट एनुअल फिनोमिना बन गया है लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ प्रेसिपिटेशन के कारण. दिस ड्यूरेशन कॉन्साइड विद द शेडिंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया. और ये जो ड्यूरेशन है ये कॉन्साइड करता है शेडिंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ फॉरेस्ट एरिया का. द फॉलन लीव्स आर मोर वल्नरेबल टू कैचिंग फायर एंड फैसिलिटेट द स्प्रेडिंग ऑफ दोज फॉरेस्ट फायर क्विकली ओवर द एंटायर फॉरेस्ट एरिया. और ये जो फॉलन लीव्स है वो और ज्यादा वल्नरेबल है फायर को कैच करने के लिए और ये मदद करता है स्प्रेड करने में इस फायर को और क्विकली इंटायर फॉरेस्ट एरिया में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप. ये पीआईडी का न्यूज है तो हम जानेंगे देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में. इंडियन साइंटिस्ट हैव इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ए लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ कॉल्ड देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप. इंडियन साइंटिस्ट ने इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड किया है लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको कि उन्होंने कहा है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप. देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप द मेड इन इंडिया ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ इज नेम्ड एज अराइज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा. जो मेड इन इंडिया ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है उसका नाम अराइज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा रखा गया है ADFOSC. इट इज इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल. इसको इंडिजिनसली डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल के द्वारा. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने डिजाइन और डेवलप किया है तो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल. DOT लोकेट सोर्सेज ऑफ फेंट लाइट फ्रॉम डिस्टेंट क्वार्क्स एंड गैलेक्सी इन अ वेरी यंग यूनिवर्स रीजन अराउंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अराउंड द गैलेक्सीज एंड कॉस्मिक एक्सप्लोजन. जो DOT है वो लोकेट करते हैं सोर्सेज फेंट लाइट का डिस्टेंट क्वासर्स से गैलेक्सीज का वेरी यंग यूनिवर्स से और रीजन जो है उसके आसपास के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का अराउंड गैलेक्सीज के और कॉस्मिक एक्सप्लोजन को ये लोकेट करते हैं. सच स्पेक्ट्रोस्कोप वर सो फार इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड इन्वॉल्व हाई कॉस्ट. और ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोप को अभी तक इम्पोर्ट किया जाता था एब्रॉड से जो कि काफी हाई कॉस्ट होता था. स्पेशल फीचर्स क्या है इसका. इट इज अबाउट 2.5 टाइम लेस कॉस्टली कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड वन एंड कैन लोकेट सोर्सेज ऑफ लाइट विद अ फोटोन रेट एज लो एज अबाउट 1 फोटोन पर सेकेंड. ये जो है 2.5 टाइम लेस कॉस्टली है अगर हम इसको कंपेयर करें इम्पोर्टेड वन से तो. और ये लोकेट कर सकता है सोर्स ऑफ लाइट को जिसका फोटोन रेट जो है वो एज लो एज 1 फोटोन पर सेकेंड होगा उसको भी ये ऑब्जर्व कर सकता है लोकेट कर सकता है. इट हैज बीन सक्सेसफुली कमीशन ऑन द 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप द लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड इन एशिया नियर नैनीताल उत्तराखंड. इसको सक्सेसफुली शामिल कर लिया गया है 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के तौर पे जो कि लार्जेस्ट है कंट्री का और एशिया का नियर नैनीताल उत्तराखंड में. दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेस ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेवरल लेंसेज मेड ऑफ स्पेशल ग्लासेस पॉलिश टू बेटर देन 5 नैनोमीटर स्मूथनेस टू प्रोड्यूस शार्प इमेजेस ऑफ द सेलेस्टियल स्काई. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट सेवरल लेंसेज का जो कि बना हुआ है स्पेशल ग्लासेस से पॉलिश है बेटर देन 5 नैनोमीटर के स्मूथनेस से जो कि प्रोड्यूस करता है शार्प इमेजेस सेलेस्टियल स्काई का. फोटोन कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सेलेस्टियल सोर्सेज कलेक्टेड बाय द टेलीस्कोप आर सॉर्टेड इनटू डिफरेंट कलर बाय द स्पेक्ट्रोग्राफ एंड आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेबल सिग्नल. तो फोटोन जो कि आते हैं डिस्टेंट सेलेस्टियल सोर्सेज से उसको कलेक्ट किया जाता है टेलीस्कोप की मदद से सॉर्ट किया जाता है अलग अलग कलर्स में स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से और फाइनली कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेबल सिग्नल के तौर पे. इट यूजेस एन इन हाउस डेवलप्ड चार्ज कपल डिवाइस कैमरा कूल्ड टू एन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ऑफ -120 डिग्री. ये यूज करता है एक इन हाउस डेवलप्ड चार्ज कपल डिवाइस कैमरा को जो कि कूल्ड करता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में -120 डिग्री पे. ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक ब्रॉडेड बैबलर. तो हम जानेंगे ब्लैक ब्रॉड बैबलर के बारे में. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अ सॉलिटरी ब्लैक ब्रॉड बैबलर वाज स्पॉटेड इन साउथ ईस्टर्न कलिमटन इन इंडोनेशियन बोर्नियो. लंबे समय के बाद सॉलिटरी ब्लैक ब्रॉन बैबलर को स्पॉट किया गया है साउथ ईस्टर्न कलिमंटन इन इंडोनेशिया बोर्नियो पे. तो कहां पे स्पॉट किया गया ये आप ध्यान में रखिए साउथ ईस्टर्न कलिमंटन इन इंडोनेशिया बोर्नियो. दिस स्मॉल ब्राउन ग्रे सॉन्ग बर्ड वॉज स्टॉट विद अ रिलेटिवली शॉर्ट टेल एंड रोबस्ट बिल विथ ब्लैक आई स्ट्राइप रनिंग ऑल द वे अराउंड हिज हेड. ये जो स्मॉल ब्राउन ग्रे सॉन्ग बर्ड है ये रिलेटिवली शॉर्ट टेल के होते हैं रोबस्ट बिल होता है और ब्लैक आई स्ट्राइप रन करते हैं ऑल अराउंड हिज हेड. द बर्ड इज ऑफन कॉल एट द बिगेस्ट इनिग्मा इन इंडोनेशियन ऑर्निटोलॉजी. और ये जो बर्ड है इसको ऑफन कॉल कहा जाता है बिगेस्ट एनिग्मा इंडोनेशियन ऑर्निटोलॉजी पे. IUCN रेड लिस्ट में डाटा डेफिशियंट कैटेगरी में इसको रखा गया है ब्लैक ब्रॉड बैबलर को. तो IUCN लिस्ट में ये डाटा डेफिशियंट है इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कहां पाया गया ये है क्या. तो ये एक ब्राउन ग्रे सॉन्ग बर्ड है ये आप इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा न्यू जॉब कोटा रूल. तो हम जानेंगे जो हरियाणा का न्यू जॉब कोटा रूल है उसके बारे में.
The Haryana government had notified a new law that requires 25% of private sector job in the state up to a specified salary slab reserved for a local candidate. हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एक नया लॉ जो कि रिक्वायर करता है कि जो 25% प्राइवेट सेक्टर जॉब है स्टेट का अप टू ए स्पेसिफाइड सैलरी स्लैब के लिए वो रिजर्व होंगे लोकल कैंडिडेट के लिए. हरियाणा कोटा रूल, जो हरियाणा का कोटा रूल है, द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 रिक्वायर प्राइवेट कंपनी जो सेट असाइड फॉर डोमिसाइल 25% ऑफ जॉब अप टू ए मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000 और एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 का जो है वो रिक्वायर कर रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो एसाइड रखे डोमिसाइल के लिए 25% जॉब अप टू जिसका मंथली सैलरी ₹50,000 तक का होगा जो कि नोटिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. द लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड एनी पर्सन इंप्लॉइंग 10 और मोर पर्सन. ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा सारे कंपनीज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म या कोई भी पर्सन जो इंप्लॉय कर रहा हो 10 या उससे अधिक पर्सन को, तो उसके ऊपर लागू होगा. अदर स्टेट विथ सच लॉ और वैसे स्टेट जिसके जिन्होंने ऐसा लॉ लाया है, जुलाई 2019 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास अ सिमिलर लॉ विच वॉज चैलेंज इन कोर्ट. जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी पास किया था सिमिलर लॉ को जिसको कि चैलेंज किया गया था कोर्ट में. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैड मेड अ प्राइम फेसी ऑब्जर्वेशन दैट द मूव माइट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट द चैलेंज इज येट टू बी हेल्ड ऑन मेरिट. आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने प्राइम फेसी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये जो मूव है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जो चैलेंज था ये अभी भी सुना जाएगा, इसके मेरिट के ग्राउंड को भी ऑब्जर्व किया जाएगा. लीगल इश्यू इन सच लॉ, क्या लीगल इश्यू है ऐसे लॉज के ऊपर. टू बिग लीगल क्वेश्चन कम अप, दो बड़ा लीगल क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ डोमिसाइल रिजर्वेशन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन जो है डोमिसाइल रिजर्वेशन के लिए, वाइल डोमिसाइल कोटा इन एजुकेशन आर फेयरली कॉमन, कोर्ट हैव बीन रिलक्टेंट इन एक्सपेंडिंग दिस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो डोमिसाइल कोटा है एजुकेशन के लिए वो काफी कॉमन है, कोर्ट जो है वो रिलक्टेंट कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए इस कोटा को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए. लास्ट ईयर दी एमपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब फॉर चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट, रेजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ सिटीजन. और लास्ट ईयर ही साथ जो एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो रिजर्व करेंगे सारे गवर्नमेंट जॉब को चिल्ड्रेन के लिए स्टेट के, इसके कारण क्वेश्चन रेज किया था जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी है सिटीजन का, कि ये उसको वायलेट करेगा राइट टू इक्वालिटी. दूसरा क्वेश्चन है. द सेकंड क्वेश्चन विच इज मोर कंटेंटेनियस इज द इश्यू ऑफ फोर्सिंग द प्राइवेट सेक्टर टू कम्प्लाई विथ रिजर्वेशन इन इम्प्लॉयमेंट. और जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि मोर कंटेंटेनियस है, वो यहाँ पे इश्यू है जो कि फोर्स किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को कि वो कम्प्लाई करे रिजर्वेशन इन इम्प्लॉयमेंट रूल को. फॉर मैंडेटिंग रिजर्वेशन इन पब्लिक इम्प्लॉयमेंट द स्टेट ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो मैंडेटिंग रिजर्वेशन किया जा रहा है पब्लिक इम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेट जो है वो ड्रॉ करता है इस पावर को आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. इस से दैट द राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक इम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इज नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट. ये बताता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है पब्लिक इम्प्लॉयमेंट के केस में, ये नहीं प्रिवेंट करता है स्टेट को प्रोविजन बनाने से रिजर्वेशन के लिए अपॉइंटमेंट और पोस्ट के लिए जो कि फेवर करे किसी भी बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को जो कि एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए सर्विसेज में स्टेट के. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो मैनिफेस्ट प्रोविजन फॉर प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच द स्टेट ड्रॉ द पावर टू मेक लॉ मैंडेटिंग रिजर्वेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं मैनिफेस्ट प्रोविजन बनाया है प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट के लिए जहां से स्टेट ड्रॉ करे इस पावर को कि वो लॉ बना सकता है मैंडेट करने के लिए रिजर्वेशन को. रैशनल इन ब्रिंगिंग सच लॉ, क्या रैशनल है इस टाइप के लॉज लाने के पीछे. प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन पब्लिक इम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेनी वेज थ्रू विच द स्टेट एंडेवर्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन. प्रोवाइड करके रिजर्वेशन पब्लिक इम्प्लॉयमेंट में ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से स्टेट जो है वो इंडेवर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन के लिए. विद पब्लिक सेक्टर जॉब कंस्टिट्यूटिंग ओनली ए माइनिकल प्रोपोर्शन ऑफ ऑल जॉब, लेजिस्लेचर हैव टॉक अबाउट एक्सटेंडिंग द लीगल प्रोटेक्शन टू द प्राइवेट सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर जॉब है वो कंस्टिट्यूट करता है सिर्फ एक माइनिकल प्रोपोर्शन सारे जॉब का, लेजिस्लेचर अब बात कर रहे हैं कि वो एक्सटेंड किया जाए लीगल प्रोटेक्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. द एम टू रियली अचीव द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन. जो एम है इसका कि वो रियली अचीव करे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इक्वालिटी का सारे सिटीजन के लिए. वन आर्ग्यूमेंट ऑफन मेड इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट जॉब इज दैट प्राइवेट इंडस्ट्री यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी वेज. और एक आर्ग्यूमेंट जो है जो कि फेवर करता है रिजर्वेशन के लिए प्राइवेट जॉब में कि प्राइवेट इंडस्ट्री यूज करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे वेज में. और सिमिलर आर्ग्यूमेंट वॉज मेड इन रिक्वायरिंग प्राइवेट स्कूल टू कम्प्लाई विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट वेल द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड. और एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट जो था वो जो कि रिक्वायर कर रहा था कि प्राइवेट स्कूल भी कम्प्लाई करे राइट टू एजुकेशन एक्ट को, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था.
तो ये जो रैशनल है कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक इसके डिमेरिट भी है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन 75% प्रोवाइड किया जाता है लोकल कैंडिडेटचर को तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया जाएगा क्वालिटी पे। नेक्स्ट, ग्लोबल प्रिफरेंस जो है, तो अफर्मेशन एक्शन इज अडॉप्टेड इन मेनी कंट्रीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस एंड जेंडर। जो अफर्मेटिव एक्शन है उसको अडॉप्ट किया गया है बहुत सारे कंट्रीज में रेस और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में। इन द यूएस देयर इज नो स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लॉयर्स टू हैव कोटा। यूएस में कोई भी स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इम्प्लॉयर्स के लिए कोटा के लिए। कोर्ट कैन ऑर्डर मॉनिटरी डैमेजेस एंड इंजक्टिव रिलीफ इंक्लूडिंग सच अफर्मेशन एक्शन एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है मॉनिटरी डैमेज इंजक्टिव रिलीफ जो कि इंक्लूड करता है वैसा अफर्मेटिव एक्शन जो कि अप्रोप्रिएट हो विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए। द इम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट इन कनाडा ऑल्सो प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप स्पेशली एबोरिजिनल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन फेडरली रेगुलेटिंग इंडस्ट्री इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। और जो इम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट है कनाडा का, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी ग्रुप्स को स्पेशली एबोरिजिनल को डिस्क्रिमिनेशन से फेडरली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज से इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हजारस, तो हम जानेंगे हजारस है क्या। दे आर पर्सियन स्पीकिंग इथनिक ग्रुप नेटिव टू एंड प्राइमली रेसाइडिंग इन माउंटेनियस रीजन ऑफ हजारजत इन सेंट्रल अफगानिस्तान। ये जो है पर्सियन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप है जो कि नेटिव है, प्राइमरीली रेसाइड करते हैं माउंटेनियस रीजन में हजारजत इन सेंट्रल अफगानिस्तान पे। ये क्या है, पर्सियन स्पीकिंग इथनिक ग्रुप है, कहां पर रेसाइड करते हैं, तो माउंटेनियस रीजन में हजारजत इन सेंट्रल अफगानिस्तान में। हजारस को कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोधन, तो हम जानेंगे बौधन के बारे में। असम बौधन इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू अमेरिका नाउ। जो असम का बौधन है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है अब अमेरिका में भी। आयरन रिच रेड राइस इज ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर। दिस वैरायटी ऑफ राइस इज रिफर टू एज बौधन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असामीज फूड कल्चर। जो आयरन रिच राइस है उसको ग्रो किया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली के पास असम के, बिना कोई यूज के केमिकल फर्टिलाइजर के। ये जो वैरायटी है राइस का उसको रिफर किया गया है बाउधन के तौर पे, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है असम के फूड कल्चर का। ये आप देख सकते हैं उस राइस को। गैस ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।